हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया इमेजिनेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू थ्योरी क्लास लेके आई हूँ जिसका टाइटल है अम्ब्रेला स्कर्ट। तो हम आज अम्ब्रेला स्कर्ट की थ्योरी क्लास देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेजरमेंट लेना है कि हम अम्ब्रेला स्कर्ट किसके लिए बना रहे हैं, उसको मेज़र करना है। लेंथ, वेस्ट, ये सब कुछ हमें मेज़र करना है। हमने ये बनाई है 3 to 4 ईयर के बच्चे के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 to 4 ईयर के साइज की अम्ब्रेला स्कर्ट। सबसे पहले हमें क्या लेनी है, फुल लेंथ लेनी है। जो एक 3 to 4 ईयर का बच्चा होता है उसकी फुल लेंथ होती है मैक्सिमम 15 to 16। तो हम यहाँ पर लेंगे 15 इंच की फुल लेंथ, प्लस 3 इंचेस हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हम जिससे हम नीचे से जो हमें नीचे से फोल्ड करने के लिए भी यूज़ करना है और ऊपर से बेल्ट के लिए भी यूज़ होगा। तो वो मार्जिन होगा हमारा 3 इंचेस का। तो टोटल लेंथ जो हमें लेनी है वो है 18 इंचेस, और राउंड वेस्ट जो है हमारी 24 या 25, इतनी ही मैक्सिमम होती है 4 to 5 ईयर के बच्चे की या 3 to 5 ईयर के बच्चे की। तो हमें राउंड वेस्ट का क्या करना है, 1/4 करना है। राउंड वेस्ट का क्या करना है, 1/4 करना है। मींस सबसे पहले हमें क्या करें, हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे 18 इंचेस जिसकी विड्थ होगी और 18 इंचेस लेंथ होगी। उसको पहले सबसे पहले हम जो फैब्रिक होगा हमारा उसको 4 फोल्ड रखेंगे। हमें 4 फोल्ड रखना होता है। 4 फोल्ड रखने के बाद हमें उसकी लेंथ और विड्थ लेनी होती है। जो विड्थ होगी वो भी 18 इंचेस रहेगी, जो लेंथ होगी वो भी 18 इंच। मींस जो एक हमें स्क्वायर बना लेना है फैब्रिक का, 18 इंचेस टोटल ले लेने हैं विद मार्जिन। तो हमें अब हम वेस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ये देखो, ये कॉर्नर है, ये है हमारी ओन फोल्ड, इधर से हमारा ओपन है और इधर से ओन फोल्ड है। ओन फोल्ड मतलब बंद साइड है। जो हमें बंद साइड का टॉप कॉर्नर है हमें क्या करना है, 24 का 1/4 करना है। 24 का 1/4 क्या होगा, 6 इंचेस। 6 इंचेस हमारी वेस्ट रहेगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से टॉप से लेना है हमें 3 इंचेस। 3 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है, यहाँ से 3 इंचेस इधर से मार्क कर लेना है। तो हमें ऐसे राउंड देते हुए हमें इसको मार्क को मिला देना है। जब हम मिला देंगे तो एक बार इंच टेप से इसको मेज़र जरूर करेंगे कि इसका जो राउंड है वो 6 to 7 इंचेस आए, क्योंकि जो मार्जिन में भी जाएगा और राउंड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 6 से लेके 7 के बीच में हो जाएगा, ताकि जो हमारा जो उसके अंदर का जो मार्जिन है वो भी बीच में आ जाए और बच्चे को टाइट भी ना हो। तो इस तरह से हमें ले लेना है। उसके बाद जो ये मार्क है, इस मार्क से जो यहाँ तक विड्थ है वो हमें ले लेनी है फुल विड्थ 18 इंचेस तक। फिर उसके बाद यहीं से हमें लेना है यहाँ पे 18 इंचेस, ऐसे यहाँ से लेना है 18 इंचेस, यहाँ से लेना है हमें 18 इंचेस, और टोटल हमें यहाँ तक लेना है 18 इंचेस। उसके बाद हमें इन डॉट्स को मिला देना है राउंड देते हुए। तो कुछ इस तरह से हमारी कटिंग आ जाएगी रेडी, कुछ इस तरह से हमारी कटिंग रेडी हो जाएगी। कटिंग करने के बाद ऊपर से यहाँ से कट कर, हमें यहाँ से कट करना है, फिर उसके बाद यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद ये हमारी शेप आ जाएगी। और उसके बाद जब हम इस शेप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी अम्ब्रेला स्कर्ट रेडी हो जाएगी। और उसके बाद हमें इसकी बेल्ट लगानी है और नीचे से फोल्ड करना है। आप फोल्ड जिस तरह से मर्जी करना चाहे कर सकते हैं, नीचे से जैसे ये कर्व बना हुआ है इस तरह से कर्व की शेप भी कट कर सकते हैं और बना
और अगर आप इसे फोल्ड करना चाहें नीचे से तो फोल्ड भी कर सकते हैं। नीचे से अगर आपको ये से कर्व लगा के या सिंपल राउंड लगा के आपको पीको करनी है तो इसको हम पीको भी कर सकते हैं। वो आप अपनी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी अगली वीडियो के लिए ज़रूर रेडी रहना और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।